बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। नैब ने शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, राजा कमरुस्सलाम, हाफिज नुमान, मुजाहिद कामरान और दीगर अहम शख्सियात को गिरफ्तार किया। 4,140 मिलियन रिकवर किए गए। मुख्तलिफ स्कैंडल्स में 404 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2017 से अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। राहिल सैयद, आपसे तफसीलात जानेंगे, बताइएगा इस रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है। ये आज क्योंकि एंटी करप्शन का आलमी दिन है और इसी वजह से नैब ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी की है। 2017 से लेकर अब तक की नैब ने जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें नैब ने बताया ये कि उन्होंने तकरीबन 400 से ज्यादा मुजमान को गिरफ्तार किया, जिसमें जो अहम मुजमान है उसमें शहबाज शरीफ से फवाद का फवाद है, आहद चीमा है, उसके अलावा राया जहाज से जिनको गिरफ्तार किया गया, कैसर अमीन भट्ट है, जबकि साबिक एम पी एस की अगर हम बात करें तो हाफिज जुमान है और कमरुल इस्लाम समेत दीगर भी लोगों को जो है ना गिरफ्तार किया गया स्कैंडल में। जबकि नैब का कहना यह कि उन्होंने 4 अरब से जायद की जो है रिकवरी की है और जो 125 जो इन्वेस्टिगेशन है उनको शुरू किया गया है। इस वाले से 2018 की भी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो उन्होंने अपनी जारी की है उसके मुताबिक उनका कहना यह था कि 2018 में जो है अब तक तकरीबन जो बड़े केसेस के करने के अलावा जो है जो अब तक वसूलियाँ की गई हैं वो 1991 जो है मिलियन की वसूली की गई है 2018 में, जबकि 102 इंक्वायरियां जो है वो निपटा दी गई। उन्होंने कहा कि साफ सबके लिए का नारा नारे के तहत जो नैब ने 34 तहकीकत शुरू की है, मजमू तौर पर 42 तहकीकत को मुकम्मल करने के अलावा 50 से ज्यादा एफएसएस को जो है अदालत में भिजवाया। उनका कहना यह है कि अगले साल भी जो है नैब इसी तरह की अपनी कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखेगा और कैप्टन आसिफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया राहिल सैयद, आपने तफसीलन आगाह किया रिपोर्ट के बारे में।